नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा भारत के संवैधानिक व्यवस्था को लेकर चल रही थी और उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा अपनी शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों पर हमने अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ा दिया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अपने प्रश्नों पर आते हैं। उसके पहले हम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पर हमारी चर्चा होती है, तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है एस आर बोम्मई केस 1994। एस आर बोम्मई के आगे बारे में अगर बात की जाए तो ये आपके जो कर्नाटका राज्य है उसके 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं केंद्र के। अभी इनके पुत्र जो थे इसके पहले, अभी सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले बासवराव बोम्मई कर्नाटक के सीएम थे, उन्हीं के बेटे थे। तो हुआ ये कि आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था, और आर्टिकल 356 किस संबंध रखता है, आपके राष्ट्रपति शासन को लगाने के संबंध में। तो आर्टिकल 356 को आधार बना के ये याचिका दायर की गई थी, आर्टिकल 356 को आधार बना के ये याचिका दायर की गई थी, और 9 सदस्यीय बेंच ने इसका नेतृत्व किया था, इस पर अपनी सुनवाई की थी और एक ही पक्ष में अपना पूरा फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा गया कि 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यह तभी इसका उपयोग किया जाएगा जब बहुत ज़्यादा राज्यों में स्थिति गंभीर हो, वहाँ के संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो, वहाँ की सरकार गिर गई हो, या फिर वहाँ का शासन प्रशासन संचालित नहीं हो पा रहा हो। ऐसी स्थिति में ही 356 को क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। केवल इस आधार पे इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, और केंद्र के जो निर्णय हैं, जो नियम हैं, जो आदेश हैं, उसको कोई भी सरकार फॉलो नहीं कर रही है। इसके संबंध में ही याचिका दायर की गई थी और 356 को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि 356 का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही मूल ढांचे में तत्वों की संख्या बढ़ा दी गई, और उसमें जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन व्यवस्था को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो प्रस्तावना के भाग हैं, प्रस्तावना के तत्व हैं, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद और आपके पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द हैं, धार्मिक निरपेक्षता जैसे शब्द हैं, उनको भी मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसीलिए जो एसआर बोम्मई केस है, इसको मील का पत्थर माना जाता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली में। अब एक बार 2022 के मुख्य परीक्षा में इसमें प्रश्न आया था कि इस दौरान जब एसआर बोम्मई मामला सुनवाई हो रही थी, उस दौरान हमारे सीजेआई कौन थे, तो अगर बात किया जाए तो उस समय थे वेंकट चलैया। इनका नाम आपने सुना होगा, चलैया समिति एक बनी थी जो कर सुधार के संबंध में था, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो वेंकट चलैया उस समय क्या थे, आपके सीजेआई थे। चलिए अपने प्रश्नों पे आते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसको आप एक बार में पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए, इसको एक बार से अधिक बार पढ़िएगा। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। ऑप्शन सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। या डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारे जो प्रश्न है ऊपर से, उससे ज़्यादा ऑप्शन ईजी लगेगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि संवैधानिक भाषा लिख दी गई है। तो इसका जो सही अर्थ होगा ये है ऑप्शन बी,
भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों के लिए बाध्य नहीं है। अब ये जो प्रणाली लिखी गई है किसमें लिखी गई है, आपके 142 में लिखी गई है कि वो हम जो जो इनके कर्मचारी होंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के, उनके कार्यप्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के नियमावली के अनुसार संचालित होगी, ना कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। संसद केवल विधि बना सकती है, उनके क्षेत्र को विस्तार कर सकती है, उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, उनकी स्वतंत्रताएँ कैसी होगी, इस पर अपने कार्य नहीं कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम बना दिया गया, कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे ऐसा पता चलता है कि उससे संविधान के विषय हैं उस पर हनन हो रहा है, और सुप्रीम को, हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दे दिया गया है, तो उसके लिए अपील कहाँ पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब वो मामला कैसे भी हो, दीवानी हो, आपके फौजदारी हो, और अगर कोई ऐसा विधि संगत है जो आपके मौलिक अधिकार या फिर संविधान के किसी बिंदु पर प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसे संबंध में अपील की जा सकती है। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 138, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 142, या ऑप्शन डी 146। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 142। 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक या सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। पुनरावलोकन क्या होता है, पुनरावलोकन का अर्थ होता है अपने जो निर्णय थे उसको परिवर्तित करने का, या जो न्यायिक समीक्षा, एक शब्द सुने होंगे आप, या कोई विधि कानून या कार्यालय आदेश जारी किया जाता है तो उसके संबंध में उसकी समीक्षा की जा सकती है, किसके द्वारा, आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, इसी को बोला जाता है पुनरावलोकन। इसका वर्णन मिलता है आपके अनुच्छेद 137 में। तो इसके पुनरावलोकन शक्ति के अंतर्गत शामिल है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया था, यूएसए के संविधान से हमने इस चीज़ को स्वीकार किया है। ग्रहण किया गया है कहाँ से, यूएसए के संविधान से। एक सौ तीस आपके स्थान का निर्धारण करता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर निर्धारित होगा, तो जो सीजेआई होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कोई स्थान दिल्ली के अतिरिक्त भी निर्धारित कर सकता है। 149 में प्रावधान मिलता है कि संसद जो न्यायपालिका के, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दे सकती है, जो उसकी रिट संबंधी शक्ति है, उसके विस्तार की बात करता है। और 138 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि न्यायपालिका के शक्तियों का विस्तार कर दे, उसमें कमी नहीं कर सकती है, विस्तार जरूर कर सकती है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 137। अगले आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या मूल, अपीली एवं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अगर मैं बात करूं कि इसके मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन कहाँ मिलता है, तो मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन मिलता है आर्टिकल 131 में। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो आर्टिकल 132, 133, 134 और 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, जो 132 बात करता है संवैधानिक अपीलों की, 133 करता है सिविल मामलों के अपीलों की, 134 करता है आपका आपराधिक मामलों के अपीलों की, और 136 करता है आपका विशेष मामलों के अपीलों की, जिसमें कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट में कोई निर्णय चल रहा है या अधीनस्थ न्यायालयों में कोई निर्णय चल रहा है उसके संबंध में अपील सुनी जा सकती है। कहाँ पर, आपके सुप्रीम कोर्ट में। 134 ए भी एक होता है, 134 ए, जो यह बात करता है कि अगर कोई अपील दायर की जाती है तो उसके संबंध में हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो ये अपील
अगर वो संवैधानिकता संबंधित प्रश्न पर अपील दायर की जा रही है तो 134 ए के तहत प्रामाणिकता जरूरी होती है। तो ये अपीली क्षेत्राधिकार हो गया। अब परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का जिक्र मिलता है, परामर्श ये मिलता है 143 के तहत। 143 में ये मिलता है कि राष्ट्रपति विधि के संबंध में या लोक महत्व के विषय के संबंध में या फिर ऐसे विधि या कानून जो संविधान के निर्माण के पूर्व हैं, कोई संधि समझौता है उसके संबंध में आप कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांग सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए देने के लिए क्या है, आपकी बाध्यकारी भी होती है कुछ विषयों में और कुछ विषयों में बाध्यकारी नहीं होती है, स्वैच्छिक होती है। तो ये बात कहाँ पर मिलती है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तीनों शक्तियाँ प्राप्त हैं। फिर मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में अभी अब हम आगे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 134 को मिलाकर 133 को पढ़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 134 ए को मिला करके अनुच्छेद 132 को पढ़ना। देखिए जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, आप समझिए कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसके विरुद्ध किया जाएगा, या फिर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या संवैधानिक संबंधी कोई विधि बनी है उसका हनन हो रहा है उसके संबंध में जारी की जा सकती है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी की जा रही है संवैधानिकता को प्रश्न को लेकर, तो मैंने जैसा कि बताया था कि 134 ए के तहत ये प्रावधान किया गया है कि पहले क्या चाहिए होगा, एक प्रमाण पत्र चाहिए होगा कहाँ से, हाई कोर्ट से, कि हाँ ये जो विषय आपके संबंध में लाया जा रहा है, जो अपील की जा रही है वो संवैधानिक के प्रश्न पे हो रहा है और मेरे अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त आपके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। हालांकि जो भी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अवश्य आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थोड़ा कम रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत या डी संसदीय कानून। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसको बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा, कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या। देखिए संविधान में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मिला है कि मूल ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और कौन कौन सी चीज़ों परिभाषा के तौर में क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी। इसकी व्याख्या इसका सर्वप्रथम व्याख्या किया गया सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद में, और केशवानंद भारती बाद के उपरांत चाहे मिनर्वा मिल्स बाद हो, चाहे मेनका गांधी बाद हो, चाहे आपका SR मुंबई बाद हो, बामन राव बाद हो, इस संबंध में अलग अलग टाइम पर क्या किया गया इसकी व्याख्या की गई थी, लेकिन संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है बल्कि न्यायिक व्याख्या के आधार पर यह तय किया जाता है। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी, गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, या TM पाई फाउंडेशन केस में। तो देखिए सबसे बड़ी पीठ जो बनी थी वो किस केस में बनी थी, 1973 के केशवानंद भारती बाद में, कब बना था, 13 सदस्य बनी थी और जस्टिस खेहर वो क्या थे उस टाइम पे, CJI थे। तो केशवानंद भारती बाद में 13 सदस्य सीट बनी थी और 7-6 से हमने निर्णय दिया था, खेहर इस टाइम पे CJI थे, सबसे बड़ी पीठ थी। यहाँ पर पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी पीठ कौन थी, तो गोलकनाथ केस जो था ये दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी, 1967 का बेंच था, इसमें 11 सदस्यीय पीठ थी। ऑब्वियस सी बात है 11 सदस्यीय पीठ के निर्णय को बदलने के लिए ही उससे बड़ी पीठ सृजित की गई थी आपके केशवानंद भारती बाद में, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो ये चीज़ आपकी बन जाती। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण मामला, या अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए इसकी चर्चा हम
थोड़ा सा आपसे कर भी चुके हैं इस केस के बारे में, तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा, याद होगा, तो ये चीज़ आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, उसको मूल ढांचे में शामिल के अंतर्गत बात करते हैं, उसमें कहीं भी आप मूल अधिकारों के जिक्र की बात नहीं सुनते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो बात था जो इसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले भी कर दिए थे कि 11 सदस्यीय पीठ थी, इस दौरान, इस मामले के दौरान ये कहा गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। हालांकि उसमें यह भी कहा गया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, ये बात भी कही गई थी आपके गोलकनाथ बाद में। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, गोलकनाथ बाद, एके गोपालन बाद, केशवानंद भारती बाद या मेनका गांधी बाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती बाद। और देखिए, केशवानंद भारती बाद बहुत चर्चा का विषय रहता है, तो इसको हमको बहुत डीप अध्ययन करना पड़ता है, इसकी हर सारी चीज़ें हमको जाननी होती है, तो हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर भी ली है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं कौन कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 245? तो अगर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की बात करें तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट संबंध जारी करने संबंधी शक्ति प्रदान करते हैं। और अगर अनुच्छेद 227 की बात करें तो ये भी किसके अंतर्गत शामिल है, उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति, अधीक्षण की शक्ति को 227 में दर्ज किया गया है कि जो उसके अधीन अन्य न्यायालय हो गए उनके संबंध, उसके ऊपर क्या रखता है, अपना अधीक्षणिक शक्ति रखता है, कौन? उच्च न्यायालय। तो जो 32 है, 227 और 226 ये क्या होंगे, अनुलंघनीय मौलिक ढांचा के अंतर्गत शामिल हैं, मतलब इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर जो 245 अनुच्छेद है वो आपके न्यायालय संबंध नहीं रखता है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ न्यायालय से संबंध रख ही नहीं रही है, तो वो चीज़ हट जाती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एच एन सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड हेतु शक्ति प्रदान करता है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक मामला आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, 4 भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो देखिए, एच एन सन्याल जो समिति थी 1961 में गठित हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही एक संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, कौन सा? न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। फिर दूसरी बात जो है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड शक्ति प्रदान करता है, अवमानना के लिए दंड शक्ति प्रदान करता है किसके तहत? 129 के तहत और आर्टिकल 215 के तहत, तो बात ये भी सत्य हो जाती है। अब तीसरा जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, भारत का संविधान लिखा हुआ है संविधान, तो आपको कहीं पर भी ये व्याख्या आपको देखने को मिलती है कि संविधान में लिखा गया हो कि सिविल मामले के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगे और आपराधिक मामलों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, इसका वर्णन संविधान में ना होकर के आपके इस अधिनियम में मिलता है, जो न्यायालयिक अवमानना अधिनियम है इस पर मिलता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर चौथा जो पॉइंट है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये कानून बनाया ही गया है ना, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, तो किस कौन बनाया इसको? संसद बनाई है, तो चौथा पॉइंट सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो बी जो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी में यह तय करें, सी संसद के अनुमोदन से या डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, मतलब आर्टिकल 130 की बात हो रही है, आर्टिकल 130
30 की बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि दिल्ली के अतिरिक्त भी क्या कहीं स्थान पर उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जा सकता है क्या, उसकी बैठक आयोजित की जा सकती है क्या? तो हाँ की जा सकती है। कौन आयोजित करवा देगा? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी स्थान पर ऐसी व्यवस्था को लागू करवा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि गठन इसका 1950 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम अदालत है जहाँ पर अपील की जा सकती है। फिर देखिए, तीसरा जो पॉइंट है ये इसमें थोड़ा सा फंसने वाला पॉइंट हो जाता है। इसमें यह लिखा, तीसरा और चौथे में देखेंगे तो दो चीज़ तो एलिमिनेट हो गई, पहली बाहर हो गई। अब इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न होगा अगर आप चीज़ें नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि 2007 में ऐसा संशोधन कर दिया गया था कि जो कोर्ट मार्शल से आए हुए निर्णय हैं उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, 2007 का निर्णय है जिसमें ये कहा गया कि जो कोर्ट मार्शल मतलब जो सैन्य न्यायालय से कोर्ट मार्शल किया गया है किसी को, और उसके तहत अगर किसी को अपील दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो वो दायर कर सकता है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों को साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। आपने सुना होगा कई बार हाई कोर्ट निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए अपने निर्णय को देता है, या फिर हाई कोर्ट के निर्णय को हवाला देते हुए कोई जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय को सुनाता है, अपने निर्णय की कॉपी में लिखता है। तो ये चीज़ उसका अर्थ क्या है कि जो अभिलेखी न्यायालय का शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय की, वो दर्शाता है। अर्थात जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, अभी तक हम केशवानंद भारती बाद को क्या मानते हैं, एक आधार स्तंभ मानते हैं मूल ढांचा के, तो हम जब भी ऐसी कोई चर्चा होगी जो मूल ढांचा संबंधित होगी उसमें केशवानंद भारती का जिक्र आएगा ही। उसके बाद मिनर्वा मिल्स को हम जब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक जुड़ा हुआ तत्व मानते हैं, तो जब भी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कोई निर्णय देने जाएगा हाई कोर्ट, तो वो उस केस को नोट करेगा, उस केस को आपको दिखाएगा कि ये यहाँ से लिया गया था, वहाँ पर ऐसा निर्णय दिया गया था, इसलिए हम भी इस संबंध में ये निर्णय देते हैं। तो उसके जो निर्णय थे वो किस रूप में मिले आपको? डिक्री के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे गए। तो यही बात कहाँ पर लिखी हुई है? ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, या फिर जनपद न्यायालय को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। ये आपके कहाँ पर मिलता है? अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 215 में, और उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो आर्टिकल 129 में इसका जिक्र मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अपीली क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, अगर इसको आप करना चाहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, और इसकी थोड़ा सा मैं व्याख्या करने वाला हूँ आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार। देखिए, इसका जिक्र मिलता है आपके अनुच्छेद 131 में। मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है कि कोई भी जो अपील होगी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसके संबंध में की जा सकती है, उसके अतिरिक्त ना हाई कोर्ट सुनेगा ना ही अधीनस्थ न्यायालय सुनेगा। केवल सुनवाई कहां पर की जा सकती है इसके संबंध में? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो यह वर्णन मिलता है आपके 131 में। और इसमें क्या मिलता है कि यदि
एक और केंद्र है, केंद्र राज्य संबंध को लेके ही अपील की जा सकती है, तो एक और केंद्र है और दूसरी ओर केंद्र एक और है और दूसरी ओर राज्य है। फिर केंद्र व राज्य एक और है तथा दूसरी ओर अन्य राज्य हैं। फिर राज्य और राज्यों के मध्य हो जाए, राज्य व राज्यों के मध्य विवाद हो जाए। अब समझिए कि मूल क्षेत्र अधिकार में सभी विवाद नहीं आएंगे, सभी विवाद इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे विवाद शामिल होंगे जिसमें विधि का संबंध हो, जिसमें विवाद क्या हो, केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाला हो, शक्तियों को बंटवारा को लेके हो, 246 को लेके हो, तो ऐसे संबंध में आप मूल अधिकार के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ऐसी आ रही है कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, शामिल नहीं, तो अगर मान लीजिए राज्य जो है केंद्र के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि हमारे कुछ वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि संबंधी विषय है, वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि संबंधी विषय इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात कि यदि कर वाला संबंध, कर संबंधी मतलब जो आर्थिक विषयों से संबंधित विषय हैं वो शामिल नहीं होंगे, आर्थिक विषय शामिल नहीं होंगे, जो नदी जल विवाद है वो शामिल नहीं होगा, विवाद नहीं शामिल होगा। तो यही बात क्या है आपके केंद्र संबंधों में जो चीज़ शामिल है वो लिखा है और जो चीज़ शामिल नहीं है उस चीज़ का जिक्र मिलता है। सबसे पहले बंगाल ने इसके संबंध में अपील दायर की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दी थी, सबसे पहले बंगाल ने दायर की थी। तो ये अगर प्रश्न पूछ ले कि केंद्र संबंधों के आधार पर मूल अधिकार के लिए सबसे पहले अपील पश्चिम बंगाल ने दायर की थी, किसके आधार पे, मूल क्षेत्राधिकार के आधार पे। तो ये बात क्लियर है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का विवाद, या दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया, जो चीज़ बताई है बस उसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने किस चीज़ के बारे में बताया, ये बताया कि एक और भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दूसरी ओर क्या हो, एक या एक से अधिक राज्यों का समूह हो और उनके बीच विवाद हो। दूसरी बात कि दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हो, तो ये भी बात सही है। अब मान लीजिए कि मैंने ये चीज़ें नहीं बताई हैं तो आपको भी मेरी बातों पर विश्वास करना है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर होती तो मैं पहले ही बता देता, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होने वाला है, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनंत क्षेत्राधिकार रखता है, अंतरशासकीय विवादों में है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य के निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, या डी इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। जल्दी से बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अंतरशासकीय विवादों में मूल अनन्य क्षेत्र अधिकार रखता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जब अंतरशासकीय विवाद हो रहे हैं तो उसके संबंध में, जैसे मान लीजिए ये विवाद कैसे हो रहे हैं आपके चुनाव के संबंध में लेके हो रहे हैं, तो उसके संबंध में सुनवाई हाईकोर्ट में भी की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, फिर आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। फिर अगर मान लीजिए कि ऐसे विवाद हो रहे हैं जो आपके सिविल मामले संबंधित है, जो अंतरशासकीय होते हैं सिविल मामले, तो ऐसे संबंध में भी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो मूल क्षेत्राधिकार की अनन्य शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं,
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 9, 7 या 5। अब ये जिक्र कहाँ मिलता है कि 5 ही लोग बैठेंगे संवैधानिक पीठ के अंतर्गत? ये जिक्र मिलता है आपके आर्टिकल 145 के तहत। आर्टिकल 145 बात करता है कि यदि कोई मुद्दा संवैधानिक विषयों से संबंधित है तो 145 में क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की नियमावली मिलती है कि उसके कार्यप्रणाली किस प्रकार से संबंधित होगी, कब ओपन होगी, कब संचालित होगी, कितने जज बैठेंगे, ये सब बातें कहाँ पर लिखी हुई हैं, 145 में लिखी हुई है। 145 के तहत ही लिखा गया है कि खंडपीठ क्या होती है, संविधान पीठ क्या होती है, एकल पीठ क्या होती है, ड्यूअल पीठ क्या होती है, ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं आपके 145 में लिखी हुई है। तो संविधान पीठ जब बनती है तो उसमें मिनिमम 5 सदस्य होना अनिवार्य है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े निर्णय हमने सुने हैं उसमें देखिए 9 सदस्य हो रहे हैं, 7 सदस्य हो रहे हैं, 5 सदस्य हो रहे हैं, हम उससे कम सदस्यों के हम चर्चा नहीं किए हैं जो संविधान से संबंधित निर्णय हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। अगले प्रश्न में आते हैं, तब तक आप लोग पढ़िए। प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत या डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के विवादों की बात हो रही है, अर्थात आर्टिकल 131 की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर आते हैं, आपके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जनपद तथा सत्र न्यायालय में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। यह प्रश्न MPPSC प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया था। आपको बताना है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 127 है वो तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, ये पहली बात तो ये कि ये फ्रांस से ली गई संकल्पना है, फ्रांस से हमने इस चीज़ को स्वीकार किया है। अब तदर्थ न्यायाधीश काम कैसे करते हैं कि जब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम नहीं पूरा हो रहा है, मतलब जो बैठके हैं उसमें सदस्य कम बैठ रहे हैं, तो कोरम या इसी को गढ़पूर्ति कहते हैं, गढ़पूर्ति, ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण ना होने पर जो CJI होता है, CJI हाई कोर्ट के किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता है, बनने की योग्यता रखता है, उसे सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा। अब ये काम कैसे किया जाएगा, बुलाने के लिए कुछ तो किसी किसी की परमिशन लगेगी। अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधीन ये जज सारे काम करेंगे तो इनको परमिशन किसकी लगेगी, तो दो लोगों की परमिशन लगेगी, एक होता है हाई कोर्ट का CJ और दूसरा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं हाई कोर्ट के CJ की पूर्व अनुमति पर जब सर्वोच्च न्यायालय का आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है तो ऐसे संबंध में CJI किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे कहाँ पर नियुक्त कर देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा। अब देखिए उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश का जिक्र नहीं मिलता है, अतिरिक्त न्यायाधीश का मिलता है। तो इसमें आर्टिकल 224 है उसमें जिक्र मिलता है अतिरिक्त न्यायाधीश का। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवा निर्मित किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, फिर ऑप्शन दो है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 128 जो है, अनुच्छेद 128 ये जिक्र करता है कि जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के किसी सलाह की जरूरत होती है तो उच्चतम न्यायालय का जो सेवा निर्मित न्यायाधीश होता है उसको सुजे आई जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर पुनः नियुक्त कर सकता है। उसके वेतन भत्ते, अच्छा इसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे, वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। फिर दूसरा जो बात लिखा है, दूसरी बात भी सही है कि हाई कोर्ट भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल देता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को बदल सकते हैं। तो आपने हाई कोर्ट का तो बहुत सारे उदाहरण सुने भी होंगे, पीएससी वाले स्टूडेंट तो इससे काफ़ी ज़्यादा परिचित भी हैं कि पहले मेंस परीक्षा को एक बार कराना है, फिर दोबारा कराना है, फिर पूरी परीक्षा कराना है, फिर आधी परीक्षा कराना है, फिर नॉर्मलाइजेशन करना है। तो ऐसी कई सारी प्रक्रिया आपने सुनने में अभी देखी होगी और ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है आपके मध्य प्रदेश परीक्षा के लिए तो विशेष रूप से। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल भी रहा है और हाई कोर्ट में तो आए दिन लगते रहते हैं केस। आप प्री परीक्षा दे के आइए, अगले दिन देखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट आ गया है, किसी को किसी के एक नंबर से रह रहा है, किसी का दो नंबर से रह रहा है, कृपया मुझसे संपर्क करें। तो ऐसे कई सारे आप एडवर्टाइजमेंट सुनते होंगे, तो ऐसी याचिकाएं दायर होती रहती हैं। तो वो अपने ही निर्णय को बदलते रहते हैं, अदालतें बदलते रहते हैं, एकल खंडपीठ, एकल पीठ के जो निर्णय होते हैं उसका ड्यूअल पीठ चेंज कर देती है, ड्यूअल पीठ के निर्णय ट्रिपल पीठ चेंज कर देती है। तो ऐसे आप ये चीज़ सुनने को देखने को मिलती रहती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या डी विधि आयोग के प्रतिवेदन। तो देखिए इसका सर्वप्रथम जिक्र मिला था आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, जिसको वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब? 2005 में। 2007 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसमें कहता है कि जो न्यायपालिका के कॉलेजियन प्रणाली उसमें क्या है, कुछ कमियां हैं। उन कमियों में ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, अपने लोगों को ही बार बार CJI वाले पोस्ट में बैठाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था और इसी के सुझाव को मूर्त रूप देने के लिए NJSC का निर्माण किया गया था, जो 99 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। कौन से संशोधन के द्वारा? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के द्वारा लाया गया था, जिसमें 124A, B और C तीन अनुच्छेद जोड़े गए थे, NJSC के संरचना, NJSC के कार्य और NJSC के लिए संसदीय कानून बनाने की शक्ति का जिक्र इसमें मिलता था। लेकिन फोर्थ जजेस केस 2015 जिसमें आपके 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को असंवैधानिक करार दे दिया गया, NJSC को असंवैधानिक करार दे दिया। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, जो हमारा यहाँ का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये फोर्थ जजेस केस कैसे आ गया, इसके पहले तीन जजेस केस और हुए होंगे। तो मैं अगर जजेस केसों की बात करूँ तो संवैधानिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में परामर्श संबंधी शब्द को लेके, अब ये देखिए किस शब्द को लेके, परामर्श इनके नियुक्ति के संबंध में संविधान में ये जिक्र मिलता है, संविधान में ये जिक्र मिलता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की परामर्श पर। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करेगा तो ये परामर्श बाध्यकारी होगी कि
स्वैच्छिक होगी। इस संबंध में तीन जजेस केस मुख्य रूप से हुए। फर्स्ट जजेस केस होता है 1982 में, जिसमें यह कहा गया कि परामर्श क्या है, परामर्श स्वैच्छिक है, अर्थात मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। लेकिन जब सेकंड जजेस केस 1993 में आया, उसमें यह कहा गया कि जो परामर्श होगी वो बाध्यकारी है, बाध्यकारी है, और इस परामर्श में केवल CJI नहीं होगा बल्कि इसके साथ दो वरिष्ठ सदस्य होंगे, वरिष्ठ जज होंगे, तब उनकी सिफारिशें क्या होंगी, मान्य होंगी। फिर तृतीय जजेस केस आया, तृतीय जजेस केस आया 1998 में, और ये द्वितीय जजेस केस था। इसी के बाद कॉलेजियन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसी के बाद कॉलेजियन प्रणाली शुरू हुई थी, कॉलेजियन प्रणाली शुरू हुई थी। फिर 1998 में तृतीय जजेस केस होता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि एक CJI होगा और चार वरिष्ठ सदस्य होंगे, किसके, आपके न्यायपालिका संबंध रखने वाले, और इनके सुझाव पर यदि दो जज भी इस किसी नाम को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो नाम क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा लौटाया जा सकता है। तो ये तीन जजेस केस हुए थे उनके परामर्श के संबंध में, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। फिर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठन करने का प्रयास किया गया, सॉरी संवैधानिक कार्य में पुनरीक्षण राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रयास किया गया, NJSC जिसको बोलते हैं, और इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, किसमें, फोर्थ जजेस केस 2015 में। तो ये चार केसेस थे, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, हमारे ऑप्शन है कोर्ट हैं, ऑप्शन ए एक सही है और दो गलत है, ऑप्शन बी एक गलत है और दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी एक और दोनों गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की बात लिखी है लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश की बात नहीं लिखी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि एक सही है और दो गलत है। ये जिक्र कहाँ मिलता है आपके, 127 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पर हो, बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, सी कोरम या गढ़पुत कमी हो, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोरम या गढ़पुत की कमी हो। तो उस समय पे CJI जो होता है राष्ट्रपति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से किसी व्यक्ति को कहां पर, केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के कोरम में बुला सकता है, उसके वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जितने समय तक वो सेवा देगा उस आधार पर, उसके जज के आधार पर प्रदान की जाएगी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियन व्यवस्था को अपनाया था, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1993। देखिए कॉलेजियन का नाम बहुत आप सुनते होंगे, कॉलेजियन प्रणाली। अब कॉलेजियन प्रणाली दो रूपों में होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है, एक हाई कोर्ट के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह पाँच सदस्य और हाई कोर्ट के लिए यह 3 सदस्य होती है। तो हाई कोर्ट के अगर किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करनी है, उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है, तो इस संबंध में हाई कोर्ट के लिए जो 3 सदस्यीय समिति होती है, कॉलेजियन प्रणाली होती है, वो सुझाव देगी राष्ट्रपति को, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 सदस्यीय जो सदस्य की कॉलेजियन प्रणाली होती है वो सुझाव देगी। अगर दो व्यक्ति इसमें क्या होती है, असहमति प्रकट करते हैं, तो राष्ट्रपति उस नाम को वापस लौटा देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों के नियुक्त की अनुशंसा से संबंधित है, मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है, हमारे ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले चर्चा की, कितने सदस्य होते हैं, 1+4। अगला प्रश्न है, सेवा निर्मित होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, या डी किसी भी न्यायालय में नहीं। जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका जिक्र मिलता है आपके 124 का जो खंड 7 है, 124 के खंड 7 में इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट ले लेता है तो कभी भी वकालत नहीं करेगा, बल्कि वकालत के अतिरिक्त वह किसी भी संस्था क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। जैसे NHRC की अगर बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, तो उसका अध्यक्ष जो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो वो बनता है। इसके अतिरिक्त अगर NGT की बात करें तो वहाँ पर भी उसकी अध्यक्षता नॉर्मली कौन करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंध रखता है। तो ये बात हो गई किससे संबंध में, प्रश्न क्रमांक 71 के संबंध में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी विधि मंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ये जिक्र मिलता है आपके आर्टिकल 126 में, 126 में ये मिलता है कि जब स्थिति ऐसी है, कैसी स्थिति है, कि CJI का पद रिक्त है, पद रिक्त है, या फिर CJI क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, या CJI ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, या CJI पर महाभियोग लगा है, महाभियोग प्रणाली लगी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या फिर CJI अपने कार्य करने में असमर्थ है, असमर्थ या असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। ऐसे अभी इस प्रकार से कोई काम किए नहीं गए हैं जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में होते हों। तो आप देखें, जब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा उसके संबंध में कौन कौन सी इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का भारतीय हो। दूसरी बात, वह हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किया हो, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देखिए, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तभी तो नियुक्त हो रहा है, तो जब मुख्य न्यायाधीश होता तो उससे परामर्श क्यों लेते, तो ये बात गलत हो गई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। यहां पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, तो किससे परामर्श करेगा, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसके आधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। ऑप्शन दो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय की प्रशासनिक व्यय भारत की संचित नीति पर भारित होती है, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या ना ही एक ना ही दो। तो देखिए, जो पहला कथन मिला है ना कि विस्तारित नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमको पता है कि आर्टिकल 135, 138 और 139 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संसद सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को विस्तारित कर सके, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा,
संबंध मुख्य न्यायमूर्ति और उनके जो जो अधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्ते होंगे भारत के संचित नीति पर आधारित होंगे, तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो गई। लेकिन उच्च न्यायालय की अगर बात करें, उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के संचित नीति कहाँ पर भारित होती है? राज्य संचित नीति, भारत के संचित नीति पर नहीं भारित होगी, राज्य संचित नीति पर भारित होगी। ऐसे छोटी छोटी गलतियां पकड़ना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है 62 वर्ष, ऑप्शन बी 63 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष या ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त किया जाने के लिए न्यूनतम आय कोई निर्धारित नहीं है। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, तो आप उसमें सीधा सा इनमें से कोई नहीं के ऑप्शन में ही जाइएगा। लेकिन मैक्सिमम आयु जरूर निर्धारित है, कितनी है? 65 वर्ष। राज्यों के लिए बात करें तो अलग अलग राज्यों में इनकी आयु अलग अलग है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त आयु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, अब समझिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, सी संसद द्वारा या डी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। संसद ने ही समय समय पर 2009 में संशोधन करके, 2019 में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि कर दी है। और अभी जो CJI है उनकी जो वेतन होती है 2.80 लाख होती है, और जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनकी होती है 2.50 लाख, मतलब 2.5 लाख होती है न्यायाधीशों की पेमेंट, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी होती है 2,80,000 रुपये। तो ये बात हो गई किसके द्वारा? संसद जो है समय समय पर विधि बना करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी विधि मंत्री को, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी को या डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अब आप बताइए किसकी नियुक्ति कौन कर रहा होता है? राष्ट्रपति कर रहा होता है। शपथ कौन दिलवा रहा होता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति करवा रहा होता है। तो अब जब वही चीज़ें करवा रहा है तो त्यागपत्र भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? मूल की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल में एक न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 न्यायाधीश, ऑप्शन सी 11 न्यायाधीश, ऑप्शन बी है ये, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, ऑप्शन बी 11 न्यायाधीश, ऑप्शन सी 9 न्यायाधीश या ऑप्शन डी 25 न्यायाधीश। ये बात हो रही है 1950 की, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे 1+7 हुआ करते थे, 1+7। फिर 1956 में संशोधन हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 न्यायाधीश। फिर 1956 में संशोधन होता है और इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है और 1+ कितनी कर दी जाती है? 9 कर दी जाती है, मतलब 10 न्यायाधीश हो जाते हैं। फिर 1960 में फिर परिवर्तित किया जाता है, फिर आगे चल के 2008 में परिवर्तन किया जाता है, फिर 2019 में परिवर्तन किया जाता है। 2008 में इनकी संख्या हो जाती है 30 हो जाती है, और 2019 में इनकी संख्या हो जाती है 33। तो 30+1 और 33+1, ये इनकी पूरी संरचना है। और वर्तमान में जो हमारी संरचना है 2019 में 33+1 की संरचना देखने को मिलती है, मतलब 34 सदस्य टोटल अभी भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 25। तो अभी जैसा कि मैंने आपको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में योगदान बता रहा था, उस टाइम पे योगदानों का जिक्र किया था, तो कितने अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों का अधिवक्ता के रूप में योगदान दिया हो। फिर अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी विधि आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
संसद। तो संसद आर्टिकल 124 का प्रयोग करते हुए 124 में ही जिक्र मिलता है कि इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, भारतीय संसद समय समय पर करेगी। और इसका प्रयोग करते हुए वर्तमान में संशोधित जो संख्या है वो 33+1 की है। 2019 में इसका संशोधन किया गया था, मूल रूप से कितने थे 1+7। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो देखिए, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, पहले संघीय न्यायालय माना जाता था। 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में बना था संघीय न्यायालय के रूप में। लेकिन भारतीय संविधान के तहत जिस उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, उसका किया गया था आपका 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 के। और अगर उच्चतम न्यायालय के, भारतीय उच्चतम न्यायालय के इतिहास की बात करें, तो जो पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस पे कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट गठित की गई थी, जिसके CJI थे एलिजा इम्पे, उस टाइम पे CJI थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के एक्ट के तहत 1774 में गठित हुई थी, ध्यान दीजिएगा 1774 में गठित हुई थी, एक्ट 73 का था, कोलकाता में गठित हुई थी, एलिजा एम्पे प्लस 3 सदस्य और इसके सदस्य थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारी न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय के नाम से, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से वो गठित हुई थी, कब उद्घाटित हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन या भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी चर्चा लगभग सुप्रीम कोर्ट को लेके समाप्त होती है यहीं पर। हमने कई सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत कवर कर लिया है और मुझे लगता है इसके अतिरिक्त आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जो जज लिस्ट है, जितने जज हैं 33+1 में, उसमें कितनी महिलाएँ शामिल हुई हैं, साथ ही 1950 से लेकर अभी तक कितनी महिलाएँ जज रह चुकी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो आप पढ़ते रहिएगा। साथ ही जो हमारे CJI रहे हैं 1950 से अभी तक में, उनको एक बार उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कब से कब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।